हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल किचन क्वीन निधि। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लेकर आए हैं बहुत ही स्पेशल मसाला वाले फ्रेंच फ्राई की रेसिपी, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए ये चार मीडियम साइज़ के हमने आलू ले लिए हैं, जिसको हमने धोकर साफ़ कर लिया है। इसके ऊपर के छिलके को हम छील लेंगे और इस तरीके से हम कट कर लेंगे, टू पीस करके इसके पतले पतले स्लाइसिस कट कर लेंगे। इसे पानी में डाल देंगे और साफ़ करके धुल लेंगे। उसके लिए हमने मटर लिए, लहसुन की कली ली है, दो तीन अदरक के टुकड़े लिए हैं, 3 से 4 हरी मिर्च, धनिया और 2 लाल मिर्च लिए हैं। इनका सबका हम एक मोटा दरदरा पेस्ट बनाकर रेडी करेंगे। तो देखिए जार में हमने डाल दिया और देखिए बहुत अच्छा इसका पेस्ट बनाकर हमने रेडी कर लिया है। तो इसे बड़े बाउल में डालेंगे, उसी में हम इस आलू के स्लाइसेस को डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए 2 से 3 चम्मच इसमें हम कॉर्नफ्लोर डालेंगे और 2 चम्मच हम इसमें बेसन डालेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे, 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर डालेंगे, थोड़ी सी हींग डालेंगे, धनिया और थोड़े से अनियन रिंग डालकर हम इसको मिक्स करेंगे। अच्छे से इसके ऊपर हम इसे कोट कर लेंगे और देखिए बहुत ही मज़ेदार सा हमारा फ्रेंच फ्राई बनकर रेडी हो गए हैं। तो इसे एक एक करके फ्राई करेंगे। बहुत ही मसाला स्पेशल वाले फ्रेंच फ्राई हैं, आप लोग भी इस तरीके से बनाकर देखें और क्रिस्पी होने तक इन्हें फ्राई कर लेंगे। बहुत ही चटपटे इन्हें आप चटनी के साथ खाएं, चाय के साथ सुबह बनाकर ब्रेकफास्ट में बनाएं, बच्चों को बहुत पसंद आएंगे। तो इसी तरीके से आप लोग बनाकर तैयार कर सकते हैं। बहुत ही इजी नाश्ता है, बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाएगा। तो बनाइए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। अगर चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके फोन पर तुरंत पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।